नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन के बारे में। इस पवित्र महीने में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये जानते हैं क्यों और कैसे। सावन जिसे श्रवण मास भी कहा जाता है, हिंदू पांचांग में यह पांचों महीना होता है। यह महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सावन का महीना जून जुलाई के अंत से लेकर अगस्त के महीने तक रहता है। इस महीने में प्रकृति अपने चरम सीमा पर होती है। चारों ओर हरियाली, मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं जो मन को बहुत शांति देती है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है कि इस महीने में की गई पूजा अर्चना का फल कई गुना तक बढ़ जाता है। आगे हम जानते हैं भोलेनाथ की पूजा कैसे करी जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन में विशेष पूजा की जाती है। इसमें रुद्राभिषेक, जल चढ़ाना, पेड़ पत्थर अर्पित करना प्रमुख है। साथ ही भोलेनाथ को धतूरा, चंदन आदि भी चढ़ाया जाता है। चलिए जानते हैं हम सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सावन में कुछ ना विशेष बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको नियमित रूप से शिव की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सबसे मेन बात कि आपको शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हमें दूर ही रहना है, जैसे मांसाहार, शराब और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। सावन का महीना कांवड़ यात्रा के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। इस यात्रा में शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपने स्थानीय शिव मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। यह यात्रा विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये था सावन के महीने के बारे में हमारा विशेष वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।